ऑफशोर कंपनीज से जिनका मामला पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान की नैब में पेशी। नैब हुकाम ने अब्दुल अलीम खान से ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 2 घंटे तक पूछगिछ की है। आपको आगाह करें ऑफशोर कंपनीज के हवाले से कि ऑफशोर कंपनीज का मामला है, पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान की नैब में पेशी हुई है। नैब हुकाम ने अब्दुल अलीम खान से ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 2 घंटे तक पूछगिछ की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताएगा पीटीआई के रहनुमा 2 घंटे तक पूछगिछ करते रहे हैं। जी अलीम खान जो है आज पेश हुए थे नैब के सामने। नैब हुकाम ने उन्हें बुलाया था कि हेक्सम जो उनकी कंपनी है जो ऑफशोर कंपनी में आई है उसके हवाले से अपना रिकॉर्ड दिया जाए। नैब की जानिब से जो लेटर जारी किया गया था उसमें हेक्सम के अलावा दीगर कंपनी का भी जिक्र किया गया था। अलीम खान आज आए नैब के हुकाम के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेक्सम जो कंपनी है उसका वो ऑफशोर जो पनामा की लिस्ट उसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि नैब वालों ने क्यों बुलाया। उन्होंने कहा मैंने नैब हुकाम से पूछा भी कि मुझे इस कंपनी में क्यों बुलाया, क्योंकि ये तमाम जो रिकॉर्ड है हमारा ये मौजूद है एफबीआर में और दीगर जो इनकम टैक्स के जो दफातर उनमें इस तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन मुझे उनका कहना ये था कि मुझे नहीं समझ आया कि नैब हुकाम ने मुझे क्यों बुलाया है इस कंपनी के हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो कंपनी है 2006 से डिक्लेयर्ड है इसके तमाम हैसियत। अलीम खान बड़े गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने जो नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शबाज को भी कहा कि उन्होंने जो ठेका दिया ऑरेंज कंपनी का, इसके अलावा जो जो सोसाइटी बनी थी अचानक एक बार के ठेके, वो किन किन लोगों को ठेका दिया गया, कौन लोग हैं इनके पीछे, लॉर्ड्स हाउसिंग सिटी जो बन रही है जो एलडीए बना रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से डेवलपर शामिल हैं, शबाशिफ ये क्यों नहीं बताते। उन्होंने इदारों को भी थोड़े तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इदारे जो है बैलेंसिंग खत्म करें, ये ना हो कि एक मुखालिफ ग्रुप के लोगों को बुलाते हैं तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी पार्टी के भी लोगों को तलब कर लिया जाता है। इस हवाले से अलीम खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि नैब जरा का कहना यह है अलीम खान की जो ऑफशोर कंपनी है उसके हवाले से तमाम रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिए कि उस कंपनी में कितने कितने डायरेक्टर्स शामिल हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं उस कंपनी के नाम, कितनी गाड़ियां हैं, कितने दीगर जो जायदाद हैं उस कंपनी के नाम पर हैं, एफआई जो नैब हुकाम है उन्होंने तमाम वो चीज़ें अपने पास कर ली हैं, अपने पास मंगवा ली हैं। अब जो अलीम खान का कहना यह भी था कि नैब उन्हें जब दोबारा बुलाएगा वो तलब वापस आ जाएंगे, लेकिन जब एफआईआर से उनका रिकॉर्ड ही नहीं आया तो उन्हें इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत थी नैब को। इस हवाले से नैब का कहना यह है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया था उस हवाले से हमने अलीम खान से सवाल जवाब करने थे वो कर लिए गए, और अगर दोबारा बनाने का इल्जाम है अलीम डार पर इसलिए वो आज पेश हुए। राहिल सईद हमारे साथ रहिए, मजीद तफसीलात भी लेंगे आपसे। नैब में पेशी के बाद अलीम खान ने कहा तमाम दस्तावेजात हवाले कर दी, सवालों के जवाब दे दिए, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो जैसे मियां साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं कहता हूं मुझे क्यों बुलाया, एक ही कंपनी के बार बार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आपने मुझे तलब किया था और मैं नैब के पास हाजिर हुआ इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम अदारों की मजबूती की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि अदारे मजबूत हों तो हम सबको अपने आप को कानून के सामने पेश होना चाहिए, कानून के सामने अपनी चीज़ें पेश करनी चाहिए और उसी के लिए आज मैं नैब के सामने पेश हुआ। नैब ने जिस कंपनी के बारे में मेरे से सवाल किया बावजूद इसके कि ये कंपनी जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो 450 के करीब कंपनियों का कहा था कि वो पनामा में आई और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरी ये कंपनी उस लिस्ट में शामिल नहीं है, ये कंपनी पनामा में कभी नहीं आई। तो मैंने नैब के दोस्तों से पूछा कि आपने मुझे जिस तरह मियाँ साहब पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला, तो मैंने उनसे पूछा भाई मुझे क्यों बुलाया, तो वो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी सी चाय पिलाई। सवाल उन्होंने जितने किए मैंने उसके जवाब दे दिए, उन्होंने जो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे मैंने वो उनको प्रोवाइड कर दिए और साथ मैंने उनको ये भी कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी कागज़ जो भी दस्तावेज उनको चाहिए होगी जब भी चाहिए होगी मैं उन। पीटीआई के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। इसी हवाले से राहिल सईद आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। किन किन लोगों को ठेका दिया गया है, कौन लोग हैं इनके पीछे, लॉर्ड्स हाउसिंग सिटी जो बन रही है जो एलडीए बना रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से डेवलपर शामिल हैं, शबाशिफ ये क्यों नहीं बताते। उन्होंने इदारों को भी थोड़े तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इदारे जो है बैलेंसिंग ख़त्म करें, ये ना हो कि एक मुखालिफ ग्रुप के लोगों को बुलाते हैं तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी पार्टी के भी लोगों को तलब कर लिया जाता है। इस हवाले से अलीम खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि नैब जरा का कहना यह है
अलीम खान की जो ऑफशोर्स कंपनी है उसके हवाले से तमाम रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिए कि उस कंपनी में कितने कितने डायरेक्टर्स शामिल हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं उस कंपनी के नाम, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने दीगर जो जायदाद हैं उस कंपनी के नाम पर हैं, FI जो नैब हुकाम है उन्होंने तमाम वो चीज़ें अपने पास कर ली हैं, अपने पास मंगवा ली हैं। अब्दुल अलीम खान का कहना यह भी था कि नैब उन्हें जब दोबारा बुलाएगा वो तलब वापस आ जाएंगे, लेकिन जब FIR से उनका रिकॉर्ड ही नहीं आया तो उन्हें इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी नैब को। इस हवाले से नैब का कहना यह है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया था उस हवाले से हमने अलीम खान से सवाल जवाब करने थे वो कर लिए गए, और अगर दोबारा बनाने का इल्ज़ाम है अलीम डार पर इसलिए वो आज पेश हुए। राहिल सईद हमारे साथ रहिए, मज़ीद तफ़सीलात भी लेंगे आपसे। नैब में पेशी के बाद अलीम खान ने कहा तमाम दस्तावेजात हवाले कर दी, सवालों के जवाब दे दिए, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो जैसे मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं कहता हूँ मुझे क्यों बुलाया, एक ही कंपनी के बार बार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आपने मुझे तलब किया था और मैं नैब के पास हाजिर हुआ इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम अदारों की मजबूती की बात करेंगे ऑफशोर कंपनीज से जिनका मामला PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान की नैब में पेशी, नैब हुकाम ने अब्दुल अलीम खान से ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 2 घंटे तक पूछगछ की है। आपको आगाह करें ऑफशोर कंपनीज के हवाले से कि ऑफशोर कंपनीज का मामला है PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान की नैब में पेशी हुई है, नैब हुकाम ने अब्दुल अलीम खान से ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 2 घंटे तक पूछगिछ की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताएगा PTI के रहनुमा 2 घंटे तक पूछगिछ करते रहे हैं। जी अलीम खान जो है आज पेश हुए थे नैब के सामने, नैब हुकाम ने उन्हें बुलाया था कि हेक्सम जो उनकी कंपनी है जो ऑफशोर कंपनी में आई है उसके हवाले से अपना रिकॉर्ड दिया जाए। नैब की जानिब से जो लेटर जारी किया गया था उसमें हेक्सम के अलावा दीगर कंपनी का भी जिक्र किया गया था। अलीम खान आज आए नैब के हुकाम के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेक्सम जो कंपनी है उसका वो ऑफशोर जो पनामा की लिस्ट है उसमें शामिल ही नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि नैब वालों ने क्यों बुलाया। उन्होंने कहा मैंने नैब हुकाम से पूछा भी कि मुझे इस कंपनी में क्यों बुलाया, क्योंकि ये तमाम जो रिकॉर्ड है हमारा ये मौजूद है FIR में और दीगर जो इनकम टैक्स के जो दफातर उनमें ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मुझे उनका कहना ये था कि मुझे नहीं समझ आया कि नैब हुकाम ने मुझे क्यों बुलाया है इस कंपनी के हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो कंपनी है 2006 से डिक्लेयर्ड है इसके तमाम एसेट। अलीम खान बड़े गुस्से में भी नजर आए, उन्होंने जो नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शबाज को भी कहा कि उन्होंने जो ठेका दिया ऑरेंज कंपनी का, इसके अलावा जो जो सोसाइटी बनी थी अचानक एक बार के ठेके वो बात करते हैं और हम चाहते हैं कि अदारे मजबूत हों, तो हम सबको अपने आप को कानून के सामने पेश होना चाहिए, कानून के सामने अपनी चीज़ें पेश करनी चाहिए और उसी के लिए आज मैं नैब के सामने पेश हुआ। नैब ने जिस कंपनी के बारे में मेरे से सवाल किया बावजूद इसके कि ये कंपनी जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो 450 के करीब कंपनियों का कहा था कि वो पनामा में आई और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरी ये कंपनी उस लिस्ट में शामिल नहीं है, ये कंपनी पनामा में कभी नहीं आई। तो मैंने नैब के दोस्तों से पूछा कि आपने मुझे